सच धस के आ रखे हैं आज, देखो इनको आप, इनकी ब्यूटी देखो आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो न्यू व्लॉग की शुरुआत हो रही है नई सुबह से, और बहुत दिनों के बाद मेरा व्लॉग बन रहा है। आज मायके से आने के बाद मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है, अभी 3-4 दिन बाद। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ पार्लर के लिए, पार्लर जा रही हूँ। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और बहुत तेज़ बारिश हो रही है। बाहर का मौसम दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। अभी सुबह से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और इधर कैरली बैठी है। अरे वाह, तूने तो बिंदी लगाई है। इधर देख, किसने लगाई तुझे बिंदी? हमारी हरकतें होंगी ना, हैं? कितनी प्यारी लग रही है तू। छोना बाबू कितना प्यारा लग रहा है। और ये इधर बैठे हैं, आज इन्हें छुट्टी कर रखी है ड्यूटी। मैं हो चुकी हूँ पार्लर जाने के लिए रेडी, और बारिश बहुत तेज़ हो रही है। तो हम लोग बाइक से निकलेंगे, छोड़ोगे मुझे बाइक से? बाइक से जाएंगे, भीग जाएंगे हम लोग। और कैली इधर बैठी है, और इधर मेरा बैग पैक हो चुका है। क्या मेरा रेनकोट नहीं है? चल, भीग जाऊंगी मैं तो पूरी। ना कैली, बाय। तो आज का वीडियो सुबह से स्टार्ट हो गया है। नाश्ता हम लोग ने कर लिया है, और मैंने पार्लर के लिए भी लंच रख लिया है। तो मैं निकल रही हूँ घर से अब, और इधर हस्बैंड और कैली बैठे हैं। हम मेरे लिए छाता भी रख दो। सुबह से आज बारिश लगी है, आज का पूरा दिन आपके साथ शेयर करूंगी। देखते हैं आज का पूरा दिन कैसा रहता है। उल्टे काम मत करो, सही है भाई। तो एक ही टूट गई, लेट हो रही। चलो तो 10 बज गया अभी, 10 बजे मैं इधर ही हूँ। बारिश हो रही है क्योंकि बारिश की वजह से काइयाँ लगी। देखिए नीचे कैसा हो रहा है, फर्श पूरा काला पड़ रखा है। उसको ऐसे ले जाऊंगी बाइक में? बाइक में ऐसे करके जाना पड़ेगा मुझे, कहीं ये छाता उल्टी ना हो जाए। हैं, चल क्या दी बताओ किसको? किसको ये पैक कर दो। हाँ, ये पैक कर दो। मैं पहुंच चुकी हूँ पार्लर पे, और डस्टिंग हमारी हो गई है। और इधर स्टूडेंट भी आई है, ये देखो ये बलून फुला रहे हैं। आज सारा का बर्थडे है, जो यहाँ के ओनर है उनकी लड़की का बर्थडे है। और साथ में आज सलून को 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो आज एनिवर्सरी भी है सलून की। तो आज सलून की एनिवर्सरी भी है, तो हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं अभी। और एक स्टूडेंट आ गई है, और लोग भी आ रहे हैं अभी। तो सर मैम लोग भी हैं, वो लोग अभी घर पे हैं। तो मैं और एक और लड़की है, वो हैं बस। तो अभी हम लोगों ने बलून फुलाने हैं, थोड़ी डेकोरेशन करनी है पार्लर की। तो अभी स्टार्ट हो रहा है इधर हमारा स्ट्रगल, रियल स्ट्रगल। सबसे गंदा लगता है मुझे ये काम, मेरे होठों में बहुत ही दर्द हो जाती है इससे। कैसा फील हो रहा है फिर? अच्छा, दर्द हो रहा गिरे, मुझे भी बहुत दर्द होता है यहाँ। इसके लिए मशीन नहीं है ना हमारे पास, फटाफट। हाँ, जल्दी हो जाता। फटाफट से पहले ये बलून फुलाने हैं, 50 इसमें 50 उसमें। चैलेंज है हम दोनों का। और लोग इतने शातिर है ना, सब लोग 11 बजे से कल तक पहले आ रहे थे, और आज सब लोगों ने लेट कर रखी है। उनको पता है कि काम करना पड़ेगा। आइए, तुम्हारा ही वेट हो रहा था। क्या एक और आ गई है बलून फुलाने के लिए, आ जाइए, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और भी हैं तुम्हारे साथी, कहाँ गए? कोई नहीं आ रखा है अभी। भैया हेलो, कैसा हो रहा है फिल्म सपना? कैसा हो रहा है बताओ? चक्कर आ रहे? पेन हो गया? अभी मसाज करेंगे मैम, ठीक है? एक्स्ट्रा केक खिलाएंगे देखो। हाँ, थोड़ा माथे में भी लगा देना, ठंडी पड़ेगी इधर फ्रिज से निकाल के।
इतने सारे तो खुला दिए, अभी थोड़े और बचे हैं। रेड वाले खत्म हो गए क्या पूरे? ब्राउन लिपस्टिक को वाइट करो अब। हाँ भाग रही, क्यों भाग रही है? चलो फुलाओ फुलाओ, इतनी खुला दी हमने, देखो। कितनी ताकत है देख रही हूँ। बस खत्म, हवा नहीं है इसके अंदर। थक गए? फाइनली डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है, ये देखिए। और आज सारा का बर्थडे है, तो सारा के लिए सरप्राइज रखा है हमने। सारा अभी स्कूल गई है, मैम लेने जाएगी सारा को, तो तब तक हमने पूरी डेकोरेशन कंप्लीट कर दी है। और पार्लर को भी एक साल कंप्लीट हो गया है, तो उसकी भी आज एनिवर्सरी है। मैम कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू गीता। डेकोरेशन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी बलून जड़ गए, बलून गिर जा रहे हैं हमारे। बलून में कागज ए सी बंद कर रखा है ना मैंने, और ये सारे हमारे मेहनत करता है, बहुत मेहनत कर रखी है। और कुछ वो पीछे बैठे हैं वहाँ, देखो अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ब्लू बलून होता अच्छा लगता ज़्यादा, ब्लू नहीं है ना हमारे पास, रेड और वाइट ही है। सज धस के आ रखे हैं आज, देखो इनको आप, इनकी ब्यूटी देखो आप, ये देखो ग्रीन, सब अलग अलग दिख रहे हैं। मीनाक्षी आप बहुत अच्छी बन के आई है, चमक रही है मीनाक्षी आज। तो अब सारा को मैम लेने जा रही है, जा रहे हो? सारा को लेने जा रही है, सारा के लिए हमने सरप्राइज प्लान कर रखा है, तो देखते हैं सारा कैसा रिएक्ट करती है देख के। वेलकम सारा। अरे वाह, बर्थडे कल आ रही है। हैप्पी बर्थडे सारा। कैसा लगा सारा? ऐसे नहीं हो रहा। अच्छा लग रहा। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मा जी। बर्थडे तो मेरा बाद में ओपन करना, ठीक है? किसी को दे रहा हूं, शाम को भी आना वो हमारे उधर, और शाम को मेरा बर्थडे है। पूरा केक खा लिया आपने अकेले? सारा अकेले अकेले खा लिया? Ready?
हम लोग की पार्टी हो चुकी है और 1 ईयर सेलिब्रेशन भी हो गया है। आज पार्लर को 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो आज सारा का बर्थडे भी है, तो दोनों चीज़ें एक साथ कर रखी हैं। अभी सुबह पे मॉर्निंग के टाइम पे सेलिब्रेशन कर रखा है पार्लर का 1 ईयर का, और शाम को सारा का बर्थडे है, तो शाम को ही पार्टी है। तो सुबह की पार्टी तो कंप्लीट हो गई है और अभी भी डेकोरेशन कर रखी है शाम के लिए, शाम को भी बर्थडे शायद यहीं पर सेलिब्रेट करेंगे। तो और लोग तो सब चले गए हैं, मैं अकेली हूँ यहाँ पे। लंच मेरा हो गया है, वैसे तो सुबह ही पेट भर गया था मेरा, पेटीज और कोल्ड ड्रिंक केक खा के वैसे ही पेट भर गया है। तो आधा लंच करा मैंने, आधा वैसे ही रखा है। तो अभी मैं फिर अकेले हूँ और मैं सब लोग चले गए हैं घर, तो फिलहाल अभी बैठी हूँ। कस्टमर कोई है नहीं अभी, आजकल ऑफ सीजन हो रहा है तो कस्टमर बहुत कम है, बोरियत हो रही है अकेले अकेले, बस फ़ोन चलाने का ही काम हो रहा है। फ़ोन चलाते चलाते आँखों में दर्द हो जा रही है, तो फिलहाल बैठी हूँ और वेट कर रही हूँ कस्टमर का। कस्टमर आते तो ठीक है, वरना फ़ोन चलाती हूँ। मैं पहुँच चुकी हूँ घर और आज सलून में 2 पार्टी सेलिब्रेट की हमने। तो शाम को मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी, शाम को लेट भी हो रही थी, तो केक कट करने के बाद मैं आ गई थी। और बाकी मैम लोग के रिलेटिव आ रखे थे, तो वो लोग पार्टी इन्जॉय कर रहे थे, तो मैं आधे से आ गई थी। और साथ में मैं हस्बैंड के लिए गिफ्ट भी लेके आ रखी हूँ, तो देखते हैं उन्हें पसंद आता है नहीं आता है। और हस्बैंड यहीं पर बैठे, सरप्राइज। ये वहीं का है बैग, कैरी बैग। हाँ, ये तो सेम उसी की तरह है, डिजाइन सेम ही है, हटके है मतलब, डिजाइन तो सेम ही है। कैसा है? ठीक है, सही है, साइज सही है।